ये कुछ लोगों ने लक्ष्मण चौक के जो इंचार्ज हैं जितेंद्र कुमार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, उनके साथ अभद्रता की गई था, उनके जो लड़का था उसके साथ मारपीट की गई है। इसमें हमने जो सीओ सिटी है उनको जांच के लिए आदेश कर दिए हैं, वो जांच करेंगे और जो सच्चाई होगी और उससे जांच रिपोर्ट हमें देंगे, तो फिर जो भी जांच रिपोर्ट में होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इनके कार्यकाल की बात करें, इससे पहले भी किस तरीके से सूचना शिकायत आपको मिली थी जितेंद्र कुमार? नहीं, अब वो देखिए, तो मैं कहा जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच कराई जाएगी जो भी, चूंकि देखिए जांच में कई चीजें होती हैं और जांच करने पे दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है तो सारी सच्चाई निकल के आती है, तो जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि एक तरफा काम कार्रवाई की गई। जो मैंने कहा ना कि सारी बातें जो बिंदु जिसमें जांच पे रिपोर्ट में दी गई है, जो जांच एप्लीकेशन दिया गया है उस पर जांच की जाएगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जसवंत जी, आपके दामाद के ऊपर चोटिल होने का बर्बरता के बाद शिकायत किया पुलिस से, क्या मामला क्या था? सर, एक चाचा के साथ मैंने सुनी हो गई तो हल्का सा ही मतलब बोल फ्रोस हुआ, तो उसके बाद में चाचा ने डंडा उठाया और डंडा उठाने के बाद में इसके पीछे भागा, पीछे भागने के बाद में ये अपने बचाव के लिए चौकी चला गया, चौकी जाने के बाद में चौकी वालों ने बैठा लिया, फिर उन्होंने अंदर जाकर पैसा पोसा दिया, दारू की बोतल भी दी है उसको, दारू की बोतल दे के फिर उन्होंने पीकर और उस छत के ऊपर लगे तीन तले पे। आपने इंचार्ज के ऊपर इल्जाम लगाया कि महिलाओं के साथ बदतमीजी किया है? हाँ जी हाँ जी, वो हम लोग गए बाद में। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने अंदर बोतल भी गई है, दारू की प्यासा भी गया अंदर हमारे दामाद के लिए, भी उसको छोड़ना नहीं, मारो उसको। उसके बाद में इसने क्या करा है, तीन तले पे ले गया, दो पुलिस वाले हैं, एक खुद अपने आप है, उन्होंने पकड़ के इसको यहाँ इसका गर्दन दी है, गर्दन दे कर डंडे के साथ में उसको मारे। सर, हम अल्जाम नहीं लगाते, देखो हम भी परिवार वाले हैं। अब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ ये चला जाए, जैसे मेरे दामाद के साथ में हुआ ऐसे किसी के साथ में नहीं हुए। सर, ये चला जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं सच में कह रही हूँ। आज इस तरीके से युवा सेना द्वारा एक ज्ञापन सौंपा आपने एसपी सिटी को, तो मामला क्या था, मामला से निकल क्या? देखिए, दिनांक जो है 21/12/2017 की रात्रि की घटना है, वार्ड 21 पड़ता है, कामली रोड लक्ष्मण चौकी और पीएसएस का नगर कोतवाली। इसमें जो है कि पीड़ित युवा है, ये आपका नाम किशन सिंह जी, इनके परिजनों द्वारा मेरे संज्ञान में इस मामले को लाया गया कि पुलिस की ज्यादती और पुलिस ने जिस हिसाब से जो इनका उत्पीड़न किया, शारीरिक उत्पीड़न किया, आप उसके चोट के निशान उसके शरीर पर साफ देख सकते हैं। तो आज उत्तराखंड और वो भी दून पुलिस किस दिशा में जा रही है? वर्दी वालों को, जन रक्षकों को हमने महिलाओं के लोगों की और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया था, हम गुंडागर्दी पुलिस की नहीं चलने देंगे दादा। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज हमने नगर पुलिस अधीक्षक नगर जी को, प्रदीप राय जी को ज्ञापन देकर इसे शीघ्र स्थानांतरण की मांग करी है, और युवा सेना जो है आगामी एक सप्ताह का समय हमने दून पुलिस को दिया है, अगर इसका एक सप्ताह में यहां से ट्रांसफर और इसके खिलाफ जो ये शिकायत पत्र इन्होंने दिया है उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग जो है पूरी युवा सेना अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल चौहान जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन को विवश होगी।